औरंगाबाद कृषि समिति का विजय हम सब एक है, हम सब एक है। अपील करना चाहते हैं सबसे साहब, पहले कमिश्नर साहब से यह अपील करना चाहते हैं, साहब हमको रिक्शा स्टैंड दो, अगर हम नहीं वहाँ खड़े रहे नो पार्किंग की फाइन लगाओ। आपकी दंडात्मक कार्रवाई नहीं चलेगी अभी, क्योंकि इतने दिन तुमने सिर्फ बंदूक के गोला मारे, खुद के मोबाइल से पुलिस वाले फोटो खींच रहे हैं और फिर लोड कर रहे, उन्हें फोर व्हीलर को रुका रहे, टू व्हीलर को रुका रहे, वैसे हमारे रिक्शा को रुकाओ, हमारे को पूछो लाइसेंस है, बैच है, पेपर है, और फिर हमको छोड़ दो। हम कोई गुले में चार सीट के लिए कोई गुना नहीं, टैक्सी वाले उसमें एक सीट लेके जाने की मुभा है कठुआ समिति के नियम से, वो शासन ने, और त्वरित हमको स्टैंड होना और शेयरिंग दल फलक होना कि हम उससे ज्यादा ले नहीं सकते। जो गाड़ियाँ सीज हुए हैं तो आप आरटीओ ऑफिसर साहब से क्या कहेंगे कि किस में थोड़ा उनकी छोड़ा जाए? साहब अभी हमारे पे ऐसा ये क्या बोल नहीं सकते, इतना बड़ा संकट आके कोस हो रहा है, रिक्शा की कीमत नहीं उतना फाइन हो रहा है, रिक्शा की कीमत नहीं उतना फाइन हो रहा है, हमको क्या भरेंगे आदमी 200-300 25-25। अगर रिक्शा ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं, वो इतने साल से तो प्रशासन सो गया था क्या? अभी 2.5 साल से हम लॉकडाउन में पड़े हुए थे, हम अभी पेट कैसा भी हमारा चल रहा है तो आप सब ही निकाल रहे, थोड़ा बहुत छूट भी देना चाहिए, हर बाकी व्यवसाय में छूट रही थी थोड़ी बहुत, जैसा फोर व्हीलर को वाले को पकड़ते कॉम्प्रोमाइज कर लेते, फोटो मोबाइल में खींच लेते और छोड़ देते, बाद में डिलीट कर देते। रिक्शा वालों का फोटो कोई डिलीट नहीं करता, क्योंकि रिक्शा वाले से उनसे कोई लेन देन का ही नहीं, इसलिए हमारी 500 रुपये पावती है, 200 रुपये भी दे सकते, क्योंकि हमारे पेट का सवाल है, हम दिन भर में 300 रुपये कमाते, 500 की फाइन कहाँ से भरेंगे? ये राज्य शासन केंद्र शासन ने जो निर्णय लिया है हमारे गरीबों के खिलाफ है, कम से कम रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ है, हमारी कमाई ही नहीं उतना हम मुर्दन भर रहे, एक एक गाड़ी के ऊपर 6-6 महीने में 6,000 रुपये फाइन, एक पहला फाइन 500 होता है, अगर वही गुना डबल हो गया तो उसका 1,500 होता है। साहब हमने कौन से नियम में चलना, मैं खुद रिक्शा चालक है, यूनियन का अध्यक्ष है, कृति समिति का सचिव है, मैं खुद रिक्शा था गजानन खड़े। औरंगाबाद कृति समिति की जो चक्का जाम औरंगाबाद में चल रहा है, ये चक्का जाम पूरे 100% हमें सक्सेस दिया है, वाहन चालकों ने हमारा औरंगाबाद कृति समिति में जो 15 संगठना है ये सभी संगठना के वाहन चालकों ने साथ दिया। अभी जिलाधिकारी साहब को हमने निवेदन दिया है, जिलाधिकारी प्रशासन से 2 दिन का टाइम मांगा है और 2 दिन के अंदर आरटीआई कमेटी की बैठक बुलाकर हमारी मांगों को मंजूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर हमारी मांगे जो भी पूरी है नहीं होती है 10 तारीख तक, प्रशासन ने हमें 2 दिन का टाइम दिया, लेकिन हम प्रशासन को औरंगाबाद कृति समिति के माध्यम से 10 तारीख तक का टाइम देते, अगर 10 तारीख तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो हम ये आंदोलन तीव्र आंदोलन करेंगे। ऐसे औरंगाबाद कृति समिति के माध्यम से मैं सरकार से और प्रशासन से अपील करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।